अब बच्चों देखो, मुझे ना इस ये आपने देख ही लिया होगा कि इस एक्सरसाइज में ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो इसको तोड़ लो आप। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस मैं कर दो 9 माइनस 2, ठीक है। या फिर मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा नहीं हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर। तो देखो फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लूंगा मैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। करके देखना आप, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो यही आएगा। और देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, बस। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। तो ये जाएगा ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, और देखो ये मेरे आंसर्स आ चुके हैं, है ना। तो देखो कितना इजी था ये 16th। अब हम करते हैं 17th, 16th का सेकेंड, सॉरी। तो बच्चों अब करता हूँ मैं 16th का सेकेंड पार्ट, और ये काफ़ी इजी है। देखिए कैसे करूँ मैं इसको। तो देखिए मैं इसको करता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा, देखो देखो ये कट सकता है तो मुझे कोई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पर मैं इसको इसलिए लिखा, देखो मैं इसलिए लिखा, देखो इससे क्या हो जाने वाला है, एक्स की पावर 4 इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसको मैं आगे ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ या फिर क्या करा जाए, क्या करा जाए। देखो इस पूरे को ले लेता हूँ मैं, ध्यान से देखो, और मैं इसको पूरे को लेकर क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। मैं इसको ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस और 9। अब ध्यान से देखो, मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं करता हूँ तो देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3 9 प्लस 2 × 3 इंटू एक्स। तो देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 9 प्लस 6 x। देखो ये आ गया, देखो यही वाला, और यही तो चाहिए मुझे। और इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो मैं इसके जगह ये लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस। अब मेरा आंसर आ चुका है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ये मेरा आंसर आ गया। तो देखो कितना इजी था ये भी, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।